सर हम लोग अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं किसी काम से या घूमने, तो किसी अनजान से जगह हमें रुकना पड़ जाता है। तो आज की कहानी ऐसे ही दो शख्स रवि और दीपक की जिंदगी के ऊपर आधारित है। वो भी किसी काम से कहीं बाहर गए थे और अचानक उन्हें एक अनजान से होटल में रुकना पड़ा और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये तो हमें कहानी में ही मालूम पड़ेगा। लेकिन इससे आप ये सीख जाएंगे कि अनजान से जगहों पर रुकना मुनासिब सेफ है या नहीं है। अनजान होटल। दीपक अपने ड्राइवर रवि के साथ एक जरूरी टेंडर को फाइल करके वापस अपने घर देपालपुर आ रहा था। दोनों बहुत खुश थे। कार में कुछ पुराने गाने चल रहे थे, दोनों को बड़े ही पसंद थे। कुछ दूर चले ही थे कि अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी। शाम के 7 बजने वाले थे। तेज हवा ऐसे चल रही थी मानो कि कार को साथ ही उड़ा ले जाएगी। रवि ने कार की स्पीड थोड़ी कम कर दी और बोला, दीपक सर क्या करें, कहीं रुक जाए थोड़ी देर के लिए। दीपक बोला, अरे डर क्यों रहा है, हवा ही तो है, चलने दे कार। तभी अचानक से एक पेड़ का हिस्सा आकर रोड पे गिर जाता है। रवि कार को मोड़ कर जैसे तैसे उस पेड़ से बचा लेता है। रवि और दीपक दोनों घबरा जाते हैं। तभी रवि कहता है, सर मैं ऐसे मौसम में गाड़ी नहीं चला पाऊंगा सर। अरे डर क्यों रहा है रवि, कुछ हुआ क्या अपने को? नहीं ना। पर सर, अच्छा चल किसी अच्छे से होटल को ढूंढते हैं, फिर वहाँ रुकते हैं और सुबह जल्दी वहाँ से निकल जाएंगे। रवि कांपते हुए गाड़ी वहाँ से आगे बढ़ा लेता है। तभी कुछ दूर चलते ही रवि को एक छोटी सी अनजान होटल दिखाई देती है। वो दोनों कार को उसी होटल में ले जाते हैं। होटल की हालत देखकर दीपक बोलता है, किस खतारा होटल में ले आया है यार। रवि बोलता है, सर इस मौसम में तो यही 5-स्टार होटल है। दोनों होटल के अंदर जाते हैं। रात के करीब 10 बजे हुए होते हैं। तभी एक कोने में टूटी कुर्सी और टेबल पर एक चौकीदार दिखाई देता है। उसे देखकर लगता है मानो कई दिनों से सोया नहीं है। आंखें लाल हो रही थी, बाल बिखरे हुए थे, अजीब सा दिखाई दे रहा था। दीपक बोलता है, अंकल अंकल हमें एक रूम चाहिए अंकल। चौकीदार कुछ नहीं बोलता, फिर टेबल पर रखे कार्डबोर्ड को उठाकर दिखाता है। उसमें लिखा होता है, इस होटल में एक ही कमरा खाली है। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता, इसीलिए वो कार्डबोर्ड उठाकर दिखा रहा है। तभी चौकीदार दूसरा बोर्ड उठाता है जिसमें लिखा होता है, कोई एक ही आदमी यहाँ रुक सकता है। यह देखकर दीपक अपने सर पर हाथ रखता है और बोलता है, कहाँ फंस गए यार। तो रवि दीपक के कानों में धीरे से बोलता है, सर मुझे तो ये आदमी ठीक नहीं लगता। सर इसके नाखून देखे आपने, कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, पागल तो नहीं है, ये तो कुछ डर लग रहा है सर, यहाँ से चलते हैं। अरे डर मत यार, कुछ नहीं होगा, एक काम करते हैं, मैं रूम में जाके सोता हूँ, तू कार में जाके सो जा, 8 घंटे की बात ही तो है, सुबह जल्दी निकल चलेंगे। रवि डरते डरते कार में सोने चले जाता है और दीपक 505 नंबर की रूम की चाबी लेकर ऊपर चले जाता है। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और अंदर जाके 5th फ्लोर की बटन दबाता है और जैसे लिफ्ट का गेट बंद होने वाला होता है अचानक से गेट वापस खुल जाता है, मानो किसी ने अपना हाथ अंदर डाल के रोक लिया हो। फिर भी वो होटल और लिफ्ट की हालत देकर इग्नोर कर देता है। उधर रवि अपनी कार में जाकर सीट खोलकर पैर फैलाकर गेट लगाकर सोता है। तभी अचानक से एक पेड़ फिर से उसकी कार पे आते हुए उसे दिखाई देता है और अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है। उठ के वो बैठ जाता है और तभी उसकी नजर होटल के मेन गेट पर पड़ती है। वहाँ वो चौकीदार फोन पर किसी से जोर जोर से बात करते हुए सुनाई दे रहा है। ये देखकर रवि के डर का ठिकाना नहीं रहता, उसके चेहरे का कलर बदल जाता है, वो कांपने लगता है। उधर दीपक लिफ्ट में फंसा हुआ होता है और 5th फ्लोर पर जाने के लिए बटन दबाता है और अपना मोबाइल निकालकर रवि को फोन करता है और कहता है कि रवि मैं 5th फ्लोर पे रूम नंबर 505 में जा रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो आ जाना। क्या सर ये क्या कह रहे हो आप,
होटल में तो तीन ही वाले, फिर 505 नंबर का कमरा कैसे आ गया? क्या रवि कुछ गड़बड़ है, ये लिफ्ट ठीक से काम भी नहीं कर रही है, ये ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, ना गेट खुल रहा है। तभी रवि बोलता है, सर सर वो चौकीदार गूंगा नहीं है, मैंने उसे अभी जोर जोर से फोन पे बातें करते हुए देखा। दीपक ये सुन के बहुत डर जाता है, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो लिफ्ट के सारे बटन दबा देता है पर कोई बटन काम नहीं करता। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हेल्प हेल्प रवि दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो। और अचानक से लिफ्ट रुकती है और गेट खुलता है और लिफ्ट की लाइट बंद हो जाती है। दीपक डर से कांपने लगता है, वो डरते डरते सीढ़ियों से नीचे उतरता है। उधर रवि डरते हुए जल्दी से दीपक के पास आता है। दोनों देखते हैं कि चौकीदार उसी टेबल और उसी कुर्सी पर पैर के बल बैठा है, हाथ में एक बोर्ड जिसमें लिखा है अब नहीं बचोगे, और जोर जोर से हंसने लगता है। दीपक और रवि के चेहरे से पसीना टपकने लगता है, दोनों कांपने लगते हैं, बहुत डर जाते हैं। फिर दोनों मेन गेट की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। उधर चौकीदार कुर्सी से उठता है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी दिखाई देती है जिसमें से खून टपक रहा होता है। दीपक और रवि समझ जाते हैं कि अब वो नहीं बचने वाले, लेकिन रवि कहता है कि सर एक बार आखिरी हिम्मत करते हैं, दरवाजे को तोड़ देते हैं और जोर से धक्का देते हैं। उधर चौकीदार धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता रहता है। दोनों तेजी से जाते हैं और दरवाजे के ऊपर टूट पड़ते हैं, दरवाजा टूट जाता है और वो गिरते हैं होटल के बाहर। उठकर दोनों भागते हैं कार की तरफ और कार में बैठ जाते हैं। वहीं चौकीदार पीछा आ रहा होता है। दीपक रवि को कहता है गाड़ी स्टार्ट कर, लेकिन गाड़ी चालू नहीं होती। और चौकीदार जैसे ही कुल्हाड़ी का वार गाड़ी के पीछे करता है वैसे ही गाड़ी शुरू हो जाती है। तेजी से गाड़ी भगा लेता है, वो पीछे पलट के नहीं देखते। होटल से निकलने के बाद डरते हुए दोनों पीछे पलट के देखते हैं तो देखते हैं कि वो कुल्हाड़ी भी गायब थी जो कार में लगी थी, साथ ही वो चौकीदार भी गायब था और वो होटल भी गायब हो चुकी थी। उसके बाद वो पीछे पलट के नहीं देखते, तेज रफ्तार से अपने घर पहुंच जाते हैं। इस बात को पूरे 8 साल हो गए थे पर वो रात आज भी उन दोनों के दिमाग से नहीं हट पाती। दीपक आज भी किसी लिफ्ट में जाने से डरता है, वहीं रवि किसी अनजान होटल में रुकने से डरता है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भूतिया घटना घटी हो या फिर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो हमें ईमेल करना ना भूलें।